वेलकम फ्रेंड्स, बॉलीवुड के दो सुपरस्टार बन गए हैं फिर से दोस्त। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं एक्टिंग के सुपरस्टार अजय देवगन की और फिल्म मेकिंग के सुपरस्टार करण जौहर की। पिछले कुछ अरसे से इन दोनों के बीच मनमुटाव की खबरें चल रही थी। दरअसल साल 2016 में इन दोनों की ही फिल्मों की बॉक्स ऑफिस पर टक्कर हुई थी और दोनों ने ही पीछे हटने से मना कर दिया था और ये अनबन तभी से थी, लेकिन रिपोर्ट्स की माने तो अब दोनों में सुलह हो गई है। अजय देवगन और करण जौहर के बीच मनमुटाव साल 2016 में उस वक्त सामने आया था जब अजय देवगन की फिल्म शिवाय और करण जौहर की फिल्म ऐ दिल है मुश्किल रिलीज हुई थी। ये दोनों ही फिल्में एक ही दिन यानी 28 अक्टूबर 2016 को रिलीज हुई थी। तारीख क्लैश होने पर नुकसान दोनों को हो रहा था, लेकिन किसी ने भी पीछे नहीं हटने का फैसला किया और यह फिल्में एक साथ ही रिलीज हुई। खास बात यह है कि इन दोनों ही फिल्मों में से कोई भी फ्लॉप नहीं हुई, लेकिन दोनों के बीच मनमुटाव जरूर हो गया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक काजोल की पहल पर इन दोनों के बीच फिर से दोस्ती हो गई है। काजोल और करण जौहर के बीच अच्छी दोस्ती रही है, दोनों ने कई सुपरहिट फिल्में साथ में दी है। इसके अलावा करण जौहर के जुड़वा बच्चों के जन्म पर भी काजोल करण के घर गई थी। काजोल ने अजय और करण की दोस्ती फिर से करा दी है और यशराज स्टूडियो में दोनों ही सिगरेट के कश लगाते देखे गए। इस दोस्ती के बाद मुमकिन है कि दोनों किसी फिल्म में साथ दिखाई दें या फिर मिलकर फिल्म बनाएं, क्योंकि अब अजय देवगन भी फिल्म बनाने में खुलकर उतर चुके हैं। फ्रेंड्स, इस दोस्ती पर आपका क्या कहना है कमेंट करके हमें जरूर बताएं। साथ ही हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें।